बीवी बोल रही थी चला ऑक्सीजन लेवल कम हो रहे है चला चांगला पास वाट बघते आपली चल लवकर Yeah. Night come and never sleep on me. I saw my chains, you got no go get what you're looking at. So hey friends, welcome again to a fresh new vlog on our channel, Writer Tushar Dhanesha. Namaste, salam, sat sri akal, kasakai, kemcho, majama, aapne to chordar ho babu. So we are in Pangong. मॉर्निंग फ्रॉम पेंगोंग लेक और सुबह के बज रहे 8:30 यहाँ तो नहाना धोना होता नहीं तो बॉडी स्पंज हो गया है वी आर ऑल सेट थोड़ा सा सामान पैक करना थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी अपने रेडबुल में शॉकअप का स्क्रू बोल्ट होता है वो अचानक से मेरा ध्यान गया और वो गायब था मैं बताता हूँ कौन सा ये देखिए ये बोल्ट नहीं था और ये खुला था गॉड्स ग्रेस कि मैं यहाँ तक आ गया रात को कब गिरा कहाँ गिरा नो आइडिया यहाँ का बोल्ट मैंने निकाल लिया है और यहाँ एक बार डाल दिया है तो ये देखिए व्यू सुबह का पेंगोंग लेक का लास्ट नाइट वी हैव एक्सपीरियंस अ नेक्स्ट लेवल ऑफ कोल्ड बहुत ठंड थी बहुत चिलिंग टेम्परेचर जो 7-8 बजे अंदर गए खाना खाने भी बाहर नहीं आए ऐसे ही सो गए फटाफट तो रात का तो मैंने एक क्लिप डाला था आपने देखा होगा चलिए तो आज है डे 16 ऑफ अवर लद्दाख सीरीज ये पेंगोंग एक्सप्लोर करके विल हेड टूवर्ड्स मनाली तो आज का हमारा हॉल्ट हो सकता है कारू या फिर सरचू लेट्स सी हाउ आर द रोड्स नया है हमारे लिए कहाँ तक पहुँच पाते हैं जैसा है एक्सप्लोर करते रहेंगे मजे करते रहेंगे साथ साथ आप भी लगे रहेंगे आपको भी दिखाते रहेंगे चलिए तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन विल मूव अहेड तो आलू पराठा आ गया है ब्रेकफास्ट के लिए और पिंटू भाई कुछ बोल रहे हैं अरे हाँ बीवी बोल रही थी मत जा आलू पराठा घर पे खिलाती हूँ मेरे को ये आलू पराठा आलू कहाँ पे बीबी कहाँ पे मैं कहाँ पे खाओ अच्छे के बाद पेंगोंग लेक पे आए हैं टाइम हो रहा है 9:30 लेक का कलर चेंज हो रहा है जो नेचुरल क्लियर वाटर दिख रहा था धीरे धीरे इट इज चेंजिंग टू ग्रीन सो गाइस दिस इज द फेमस पेंगोंग लेक जहां 3 इडियट्स फेमस मूवी का शूट हुआ था और वहां पे 3 इडियट के मूवी के कुछ प्रॉप्स भी रखे हैं चैनल में आपका स्वागत है यहाँ पेंगोंग लेक पे मौसम बिगड़ जाने के कारण काफी तेज हवाएं चल रही है कैमरामैन पिंटू के साथ लाइटमैन नितिन के साथ मैं तुषार दिनेश पेंगोंग लेक से आगे बढ़ रहा हूँ कलर जो है लेक का चेंज होते जा रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये देखिए आई होप यू कैन सी ये देखिए जो एकदम क्लियर वाटर ग्रेइश टाइप का था थोड़े देर पहले एक आध घंटे पहले अभी वो टर्कोइज कलर ले चुका है एंड दिस इज मैजिक दिस इज एपिक ये नेचर का एक चमत्कार समझ लो जैसे ही सन का मूवमेंट होता है ये लेक अपने कलर्स चेंज करता है
कितनी खूबसूरत चीज है इंडिया के पास। पेंगोंग के 8 फिंगर्स है जिसमें से सिर्फ 3 फिंगर्स हमारे पास है, बाकी के 5 चाइना के पास है। सो यू कैन से कि 30% पेंगोंग लेक हमारे पास है, 70% चाइना के पास है। जो चीज है ये ब्यूटीफुल, थोड़ा नजदीक से कलर कम समझ में आता है, मैं ऊपर से आपको दिखाता हूँ पूरा लेक का कलर चेंज हो गया। एंड दिस इज एपिक, एपिक आई वुड से। Also, it is the world famous lake which is situated at the highest altitude and it is the salty water lake. Both side Siachen hoga mere khayal se, both side China hoga. So LOC is very near, close by. Someone told me it is only 9 kilometers from here. To China ke ekdam kareeb. Beautiful, beautiful. So time is 11 in the morning. और सुबह से 2-3 घंटे से हम मज़े ले रहे हैं लेक के। और एक ही टाइम पे कितने कलर्स है लेक में अगर मैं बता सकूँ, एकदम लास्ट में देखिए सियान कलर है, स्काई कलर है, ग्रे कलर है, टर्कोइज है, यहाँ पे टर्कोइज है, वो दूर फिर से ग्रे है, देखिए अमेजिंग 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 थिंग मैन। और जो हवा चल रही है ठंडी ठंडी, हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं और ये देखिए मौसम खराब हो गया है, मौसम देखिए छोटे छोटे स्नोफॉल हो रहा है, छोटे छोटे ड्रॉप्स गिर रहे हैं। हेलो से हाय से बाय बाय, थैंक यू, वेलकम। ओ, तेरे से बड़ा तक है गणपति बाप्पा, थैंक यू। सो डे 16 जर्नी बिगिंस टुवर्ड्स मनाली, टाइम टू से बाय बाय टू दिस लवली लेक। ब्लू हो गया है अभी पानी, सी द डिफरेंस, यहाँ का कलर, वहाँ का कलर, वहाँ का कलर। आई डोंट नो मैं जो बोल रहा हूँ वो कैमरा में डिफाइन हो रहा है कि नहीं और कितना जस्टिस कर रहा है कैमरा, बट टू सी विथ माय ओन आइज, उफ 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 उफ, पैसा वसूल। जाने का दिल नहीं कर रहा है लेक छोड़ के, वापिस आऊँगा, आई विल बी बैक। ये देखिए कलर, ओ माय गॉड, सुपर। तांगस्ते के बाद पेंगोंग रीजन में आप जैसे एंटर करेंगे देर इज नो नेटवर्क एट ऑल। कल से हम लोग डिसकनेक्टेड है वर्ल्ड से, नो इंटरनेट, नो वाईफाई, नो नेटवर्क। यहाँ खाली BSNL चलता है, होटल ओनर के पास BSNL था, वो टेंट ओनर के पास, उनको बोला बताइए एक कॉल करना है घर पे, बट BSNL से भी कॉल नहीं लगता, तो यू कांट रिलाई ऑन इट। सो अभी तांगस्ते पहुँचते हैं, घर पे खबर देंगे ऑल इज़ वेल, कल से बात नहीं हुई है। नो इंटरनेट यानी कि आप कोई कार्ड पेमेंट, UPI पेमेंट कुछ भी नहीं कर सकते, सो यू नीड टू कैरी कैश एंड नो नेटवर्क। तो आपको घर पे भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप जितने टाइम यहाँ रुकने वाले हो यू विल बी डिसकनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड। Oh, 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 oh
फ्रेंड्स अ सुपर सरप्राइज, जिनके हम फैन हैं, जिनके व्लॉग्स देखते हैं, वन मोर यूट्यूबर ऑन आर वे, दीप भाई, दीप रंजन साचन। आई होप जर्नी जस्ट वाव, सो ग्लैड टू मीट हिम। इनके व्लॉग्स देखते थे आज साक्षात उनकी बाइक, बढ़िया 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 एक्सपीरियंस। टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं दोपहर के और हमने लंच किया दुर्बुक में। वन मोर यूट्यूबर जो मेरे फेवरेट है, जिनका मैं व्लॉग्स देखते रहता हूँ अक्सर, दीप रंजन साचन AKA DRS को मिले, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। बढ़ते हैं मनाली की तरफ। ये सारे पहाड़ बहुत मिस करूँगा यार, 2 दिन के बाद तो पहाड़ गायब हो जाएंगे। मनाली के बाद चंडीगढ़ पहुंचने के बाद फिर वही गर्मी 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 गर्मी। ये देखिए रोड के बाजू में नदी बहती हुई, इन वादियों को मिस करेंगे हम। पहाड़ों पे आ रहे हैं चांगला पास की तरफ बढ़ते हुए, बर्फीले पहाड़ देखिए, फिर से टेम्परेचर डिप्ड, हाथ जम रहे हैं। चांगला पास देखिए, लेक, छोटा सा लेक है और बोटिंग होता है यहाँ पे। इतना ठंडी में कौन करता है बोटिंग वो नहीं पता, बट होता है। ये देखिए इंक्लाइन होते होते कहाँ पे आ गए, ये देखिए। और ये छोटा सा पॉन्ड है बीच में, पूरा जम चुका है, बर्फ आइस हो चुका है, वाव। और टेम्परेचर पूछो मत, गोप्रो से दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, मैं फोन से दिखाता हूँ, रुको। ये देखिए पहाड़, ये पॉन्ड देखिए पूरा जम चुका है, पूरा आइस है। यहाँ पे रुक जाते हैं, स्नो गिर रही है। उफ, बाइक को तो शेल्टर नहीं मिलेगा। अभी 5 मिनट पहले यहाँ स्नो गिर रहा था, आइस गिर रही थी, हमने अंदर बैठ के कॉफी पिया गर्मा गर्म, एंड पिंटू भाई डूइंग द ऑनर्स, गुड जॉब पिंटू भाई। तंदी जाती है। चलिए तो चांगला पास के रास्ते में भी फुटप्रिंट सेट। तो फ्रेंड्स फाइनली 2022 में लद्दाख राइड करने का ड्रीम देखा था 2022 में रेड बुल पे, और 2022 में हो गया। चांगला है ना वो चांगला है, दोनों के बीच कैसे जाने का है, जा रहे ना गाड़ी, दोनों के बीच कैसे जा रहा है। और यहाँ से 7 किलोमीटर है चांगला पास। साला ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। हाँ। ये देखिए फ्रोजन पॉन्ड नजदीक से, यहाँ पे अभी टेम्परेचर 4 डिग्री है और शाम के बज रहे 4, तो 4 बजे 4 डिग्री है, तो रात को तो माइनस होता ही होगा, क्या पता। झूले झूले, ये ब्लेसिंग ब्लेसिंग। ऑफ रोडिंग चालू हो गई है चांगला पास, रह गए 2-4 किलोमीटर। देखिए सामने
और इन लोग को हेड्स ऑफ है जो ये वेदर में इन लोग रोड कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। ये देखिए ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते। अचीवमेंट चांगला पास डन। हाँ अरे चालू हो गया। क्या बात है? ये नहीं बंद हो रहा है। देख देख 9 सेकंड पे ही बंद हो जा रहा है। अरे देख कितना सेकंड 20-22 सेकंड लाफा मारने का जरूर तू क्या क्या होता होगा ना साले को। GoPro हो गया है खराब। जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं 9 सेकंड में लो बैटरी बता के बंद हो जाता है। पता नहीं क्या हो गया। बैटरी चेंज किया है देखते हैं। 20-22, 24-25, 26-27 सेकंड हो गई है अभी तक बंद नहीं हो रहा है। अजीब अजीब तरह की बीमारी आ जाती है GoPro में, पता नहीं क्या होता है यार। GoPro हीरो 9 ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ अभी, इससे बेटर क्या इंसान यूज़ करेगा। 10 तो अभी अभी लॉन्च हुआ है। 1 मिनट का वीडियो तो बन गया, बंद नहीं हुआ मतलब शायद अभी चलेगा। थैंक गॉड हम है चांगला पास पे एंड इट इज़ हेवन। हेवन स्वर्ग का महसूस जीते जी। और प्योर ऑफ रोडिंग है ऊपर आने में। बाइक फर्स्ट गियर पे भी नहीं चढ़ रही थी और कुछ पैच इतना ऑफ रोड है कि डेजर्ट सी मट्टी जम रखी है। इफ़ यू स्टॉप यू कैन नॉट स्टार्ट इवन ऑन फर्स्ट गियर। तो टफ है बट दिस इज़ एडवेंचर, इसी के लिए यहाँ आए थे और ये कर रहे हैं और पूरा इंजॉय कर रहे हैं। सो गाइस वी आर एट माइटी चांगला पास। शाम के 5 बज चुके हैं। इसका एल्टीट्यूड आप देख लीजिए 17,688। थोड़ा खरदुंगला से कम है, हो सकता है 200-300 फुट, बट फ्रीजिंग टेम्परेचर, चिल्ड है। आजू बाजू में माउंटेन्स ये आप देख सकते हैं। चलिए नीचे उतरने का टाइम आ गया, यहाँ ज़्यादा रुक नहीं सकते, सांस चढ़ रही है। ठंडी बहुत बढ़ गई है, फ्रीजिंग टेम्परेचर। ये देखिए रास्ते में लोग इंजॉय कर रहे हैं। ऐसे वेदर में रोड का काम करने वालों को सल्यूट, रिस्पेक्ट। हमारे लिए, तुम्हारे लिए, हम सब के लिए, आने वाले कल के लिए। जो पेस में काम हो रहा है ऐसा लग रहा है कि आने वाले 1-2-4 साल के अंदर तो ऑफ रोडिंग जैसी कोई चीज़ नहीं रहेगी, पूरे प्रॉपर रोड हो जाएंगे भाई। तो अगर एडवेंचर चाहिए लद्दाख के ऑफ रोडिंग के मज़े लेने, वैसे तो काफ़ी पहले से तो काफ़ी कम हो गया है, बट अभी भी टाइम है। निकालो अपनी बाइक और भाग लो भैया, फिर 4 लेन हाईवे पर क्या ऑफ रोडिंग करोगे। 10-10 रुपया कुल्फी ले, 10-10 रुपया। 2 कुल्फी जमी है भाई नाक के अंदर। और थोड़ी देर ऊपर रुकते तो पूरे बॉडी की कुल्फी जम जाती है। पता नहीं मिलिट्री वाले कैसे रहते हैं। हैट्स ऑफ टू आवर सोल्जर्स। ये देखिए ऑफ रोडिंग में फिर से मडगढ़ लटक गया। उस दिन जो हमने ऑपरेशन किया था यहाँ तक चला, क्या प्रॉब्लम है मडगढ़ का। होंडा ने ठीक से मड़गाड़ भी नहीं दिया यार। GoPro परेशान कर रहा है, मड़गाड़ परेशान कर रहा है, बोल्ट निकल रहे हैं, अंजर पंजर ढीले हो गए भाई। ये है हाल लद्दाख में। फाइनली 10 साल के बाद ऑफ रोड ख़त्म हो गया। 10 साल हमने बाइक चलाया, उसमें हमारा मड़गाड़ टूटा, क्या क्या हुआ। और दुख के बाद सुख, रात के बाद सवेरा। शाम के बज रहे 7:15 और ऊपर से नीचे आ गए। ये सामने का लैंडस्केप, वाह क्या बात, क्या बात,
क्या बात। सो गाइस टाइम इज 6:50 एंड वी हैव रीच्ड खारू। सो द अदर रोड गोज टू ले अगेन। यहाँ से सिर्फ 35 किलोमीटर है ले सिटी और ये रोड जाता है मनाली वाया किलोंग। मनाली इज स्टिल 434। तो आई होप कि कल रात तक हम मनाली पहुँच जाएंगे। सो वी हैव रीच्ड उपसी एंड यर देर इज़ अ पुलिस चेक पोस्ट एंड व्हीकल एंट्री उपसी। वहाँ पे एंट्री करानी पड़ेगी। तो चेक पोस्ट पे एंट्री करवा लिया व्हीकल का और वहाँ पे जो ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि अभी आप पांग मत जाइए, ठंडी ज़्यादा है एंड इट इज़ 150 किलोमीटर्स फ्रॉम यर। तो लाटो गेस्ट हाउस कोई नंबर दिया है उन्होंने, यहाँ से 23 किलोमीटर्स है और हमने बात कर ली है वहाँ के ओनर से, बोला आ जाइए, खाना भी प्योर वेज मिल जाएगा, रूम भी मिल जाएगा, गर्म पानी भी मिल जाएगा नहाने का, और क्या चाहिए भाई अपने को राइडर को। 23 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, टाइम राइट नाउ इज 7:15, सो बाय 8 वी शुड बी देयर। मस्त एक घंटा नहा धो के, आज तो एकदम घिस घास के नहाना पड़ेगा भाई, बहुत धूल मिट्टी ऑफ रोडिंग में इतना खाई है, गाड़ी की हालत, हमारे राइडिंग गियर्स की हालत, बैग्स कवर्स बूट शूज सॉक्स कुछ भी मत पूछो, हेलमेट वेलमेट सब अंजर पंजर, बाइक के भी डिले हो गए। तो मस्त से नहा धो के खाना खा के सो जाते हैं एंड कल सुबह चालू करते हैं मनाली के लिए। दैट वुड बी समवेयर अराउंड 375-350, आई एम नॉट श्योर। तो अभी के लिए ये प्लान हमारा डिसाइड हो रहा है। ये कैसे पहाड़ स्लाइस की है, स्लाइस कुदरत।